chapter number 4. We understood the concept of soaps and detergents. We understood the definition of a soap and detergent. Today, we complete this chapter and we complete this last topic of this chapter, and that is cleansing action of a soap. And this is the most important question of this chapter. One is covalent bond, ionic bond. Second is IUPAC nomenclature. And third most important question of this chapter is soap and detergent. What are the soaps? They are prepared from oils, animals and vegetable oils. Oils ka matlab hoga yahan pe vegetable oils, animals, on heating them in the presence of alkali. It means basic medium agar usko provide karenge, then it will convert it into the soap and it gives a byproduct glycerol as alcohol. So what are the soaps? Pehli baat to ye, to hum logon ne definition ke andar likha tha ki they are a long chain carboxylic acid compounds. Long chain carboxylic acid compounds and sodium and potassium salts of a carboxylic acid compounds. फिर हमने कुछ दो examples भी मैंने वहां पे लिखवाए हैं आप लोगों को. Sodium stearate and sodium bimethylate, C17H35 COONA and C15H31 COONA. Sodium stearate and palmitate. Okay. And what are the detergents? They are sodium and potassium salts of sulfonic acid. Sulfonic acid. And one of the best example of a detergent is sodium lauryl sulfate. अगर हमारे पास घर पे कोई भी टाइप का डिटर्जेंट हो, निर्मा हो, रिन हो, टाइड हो, सर्फेक्सल हो, कोई भी हो, हार्पिक हो, डिटर्जेंट कोई भी हो, उनके अंदर आप लोगों को पीछे इंग्रेडिएंट्स दिए जाते हैं. उस इंग्रेडिएंट्स के अंदर ये भाई साहब मिलेगा. सर्च करो, पता चलेगा कि हम लोग ये चैप्टर जो पढ़ रहे हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है. ये चैप्टर नहीं, ये क्वेश्चन भी कितना इम्पोर्टेंट है वो भी पता चलेगा. एंड व्हेन यू डू दिस क्वेश्चन एज प्रैक्टिकल, गर्ल्स को थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा. तो ये प्रैक्टिकल जब करोगे, और बॉयज लोग क्या करें, मम्मी को देखें जैसे वो कपड़ा धोते, तो देखें वॉशिंग मशीन में होगा तो नहीं दिखेगा कुछ भी, देखना है तो ये पता चलेगा कि कैसे पूरा जो हमारा क्लोज होता है एंड उसके ऊपर जो डर्ट होती है या जितने भी डाग उसके ऊपर लगे हुए होते हैं तो वो कैसे निकलते हैं, वो आज हमें समझना है. तो सबसे पहले छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पे दूंगा, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ ए सूप कि कैसे बनता है वो भी हमें पता चलना चाहिए. तो हेडिंग हमें लिखना है कि प्रिपरेशन ऑफ सोप. प्रिपरेशन ऑफ ए सोप, तो प्रिपरेशन ऑफ ए सोप हमें करना है. कहाँ से बनेगा, तो हमें क्या चाहिए, एक वेजिटेबल ऑयल चाहिए या तो फिर कोई एनिमल में से ऐसा कोई कंपाउंड हमें मिलना चाहिए. तो यहाँ पे हम लोग एक कंपाउंड लेंगे, ऑयल लेंगे, that is triglyceraldehyde. उसे नाम देंगे, the structure of that triglyceraldehyde is CH2
CH2 C double O, then C17H35 C17H35 and C17H35. This is triglyceride. This is a kind of a oil. अब यहाँ पे आप लोगों को 3 times C17H35 लिखा हुआ है, तो इसको भी हम लोग रिएक्शन करवाते हैं 3 moles of NaOH के साथ. अब NaOH के साथ रिएक्शन करके सिंपल यहां से Na प्लस OH माइनस मिलेगा. यहां से देखो ये कैसा कंपाउंड है, दिस इज एस्टर कंपाउंड. एस्टर फंक्शनल ग्रुप की अगर पढ़ा हुआ है, एस्टर कंपाउंड, तो इसके पास भी क्या होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव होते हैं. तो यहां पे ये C17H35 हो जाएगा हमारा नेगेटिव आयन, CH2 इज अवर पॉजिटिव आयन. तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो बनेगा क्या, CH2OH, CHOH एंड CH2OH. इसको हम लोग नाम देते हैं ग्लिसरॉल. अब ग्लिसरॉल से हम लोग एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं, छोटी सी इंफॉर्मेशन बहुत काम आएगी. और इन द कोरोना पीरियड फ्रॉम मार्च टू टिल नाउ we are using sanitizer to sanitize hands. Okay, तो ये glycerol का एक छोटा भाई है, glycerin, शायद आप लोगों ने नाम सुना होगा. तो आप लोग sanitizer की बॉटल भी देखोगे, उसके अंदर एक बात तो आप लोगों को पता है कि alcohol is present, ethanol is present in the sanitizer. अगर हमारे पास दो टाइप के सैनिटाइजर होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होता है, एक जेल फॉर्म में होता है. तो जो लिक्विड फॉर्म के अंदर सैनिटाइजर है और उसके अंदर एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लिसरीन ऐड किया जाए, तो वो आप लोगों को जेल फॉर्म देता है सैनिटाइजर का. अगर घर पे आप लोग कोई भी हैंड वॉश पकड़ लो, लाइफ बॉय का हो या डेटॉल का हो या और कोई हैंड वॉश हो, तो हैंड वॉश थिकनेस जो है हैंड वॉश के अंदर वो ड्यू टू ग्लिसरीन बहुत ही अच्छा कंपाउंड है. तो ये जस्ट इंफॉर्मेशन. अब यहाँ से बना ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ अब दिस नेगेटिव आयन इज अटैच्ड विद 3 आयन्स ऑफ ए सोडियम. यहाँ पे क्या मिलेगा, 3 moles of C17H35 COONa, and this is our soap. तो डिटर्जेंट का भी मैन्युफैक्चरिंग सेम टू सेम. क्या करेंगे चेंज, यहाँ पे हम लोग करेंगे SO3H को इंट्रोड्यूस, SO3H को इंट्रोड्यूस करेंगे. In the presence of SO3H कहाँ से मिलेगा, तो H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा होगी तो मिल जाएगा आप लोगों को वहां से SO3H. तो फिर H जो होगा हो जाएगा नेगेटिव के साथ, और SO3 जो है वो पॉजिटिव के साथ जाके बनाएगा डिटर्जेंट. तो सिमिलर काइंड ऑफ ए प्रोसेस है, डिटर्जेंट की प्रोसेस के ऊपर नहीं जाएंगे. दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन. तो ये हमारा बना सोप. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप. मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 marks क्वेश्चन पूछा जाता है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप. क्वेश्चन जो है वो लिखते रहना, स्ट्रक्चर ऑफ सोप. Structure
ऑफ सोल। अब नोट्स जो है वो मैं हम लोगों को भेजता रहूंगा ग्रुप के अंदर, आप लोग ध्यान से समझिए, बस कॉन्सेप्ट जो है वो दिमाग के अंदर घुसना चाहिए। अब सोप का अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लिखा, C17H35COONA। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखोगे तो ये एक हाइड्रोकार्बन चेन आप लोगों को दिख रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंटेन्स ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। अब ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है एंड दिस पार्ट COONA, इस आयोनिक पार्ट देखो हर एक बात को समझ लेना। दिस C17H35 इट इज ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन पार्ट। मैं ऑर्गेनिक इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये चैप्टर कार्बन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर इनऑर्गेनिक में भी यूज करते हैं। यहां पे हम लोग स्पेशलाइजेशन पढ़ रहे हैं कार्बन का, सिर्फ हाइड्रोकार्बन चेन लिखोगे या हाइड्रोकार्बन पार्ट लिखोगे तो भी चलेगा। एंड दिस COONA, दिस COONA इज अ आयोनिक पार्ट, आयोनिक पार्ट ऑफ द सोप, ऑफ द सोप। अब इसके साथ साथ क्लींसिंग एक्शन को भी हम लोग लेते जाएंगे, ओके। तो ध्यान रखना, अब यहाँ पे कैसे कोई भी एक ऑयल का जो दाग होता है, धब्बा जो होता है, मान लो यहाँ पे शर्ट के ऊपर लग गया, कपड़ों के ऊपर लग गया, फिर हम लोग क्या करते हैं, धोने भी देते हैं या वॉशिंग मशीन में डाल देते हैं बाय पुटिंग स्पून ऑफ ए डिटर्जेंट, फिर वो 5-10 मिनट में धो के आ जाता है बाहर। बहुत ही प्रैक्टिकल आप लोग सोचना, इमेजिन करना कि क्या होता होगा। तो अब इसके अंदर दिस C17, अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, तो इसको लॉन्ग चेन को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक फॉर्मूला आता है, एक मेथोडोलॉजी है, समझना, एक मेथोडोलॉजी जिसे मैं यहां पे साइड में लिख रहा हूं, उसको बोलते हैं डैश लाइन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, डैश लाइन फॉर्मूला। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डैश लाइन, अगर आपके पास मोर देन 6 कार्बन्स आर प्रेजेंट इन द चेन देन रिप्रेजेंट और डिनोट दैट कार्बन चेन बाय ज़िगज़ैग लाइन। क्या, इफ यू हैव अ मोर देन 6 कार्बन्स इन अ चेन, इन अ चेन इन योर पेरेंट चेन, देन डिनोट इट इज इन अ ज़िगज़ैग लाइन। तो मैं टेंटेटिव एक ज़िगज़ैग लाइन को मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, जिसके अंदर हम लोग ऐसा मान लेंगे कि इन दिस चेन, दिस इज ज़िगज़ैग चेन एंड ईच एंड एवरी कॉर्नर रिप्रेजेंट्स द कार्बन एटम एंड इट्स वैलेंसी इज कंप्लीटली बाय द हाइड्रोजन। यहाँ पे वो हम लोग अज्यूम करेंगे, अगर यहाँ पे करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ पे हो रहे हैं, चलो 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, दिस इज 17 कार्बन्स, ओके 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 एंड 17। And with 17th carbon here attached is COONA group. And in this COO minus, or yahan pe hota hai Na plus, because it is ionic part. Jara main dekhunga aap logon ko proper. Okay, it is properly visible. तो ये एक लॉन्गेस्ट हमारा C17H35NE C double O N E
Now this longest chain is known as a hydrocarbon part. यहाँ पे मैं लिखूँ hydrocarbon part and here it is ionic part. क्या है भाई? Ionic part है. अब आप लोगों को एक बात सबसे बड़ी याद रखनी है, टेक्निक को समझना. This hydrocarbon part is always water insoluble. Water part is always water insoluble because it is hydrocarbons. और आप लोगों को एक सेंटेंस याद रखना है, like dissolves like. Like dissolves like. तो मतलब क्या हुआ? तो आप लोगों ने ये दो वर्ड सुने हुए होंगे, नंबर वन पोलार कंपाउंड, नंबर टू नॉन पोलार कंपाउंड. तो पोलार का मतलब जिसके पास चार्जेस हो उसे हम लोग पोलार कंपाउंड बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में. जिसके पास नो चार्ज हो, नो चार्ज का मतलब क्या होगा? H2 N2 फिर O2 हीलियम गैस, ये सभी कैसे होंगे? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और नॉन पोलर होते हैं पोलार पार्ट. तो ये हमारा पोलार पार्ट है, दिस इज वाटर सॉल्युबल पार्ट. समझना बहुत अच्छी तरह से, दिस इज वाटर सॉल्युबल पार्ट एंड दिस इज वाटर इनसॉल्युबल पार्ट. अब इसको एक बहुत ही अच्छा नाम दिया गया, मैं यहाँ पे इसको लिखूँ वाटर सॉल्युबल पार्ट. समझना बहुत अच्छी तरह से क्योंकि स्ट्रक्चर के ऊपर से हमें बहुत कुछ करना है. वाटर सॉल्युबल हुआ, वाटर इनसॉल्युबल हुआ. अब वाटर को हम लोग एक और नाम देते हैं, दैट इज हाइड्रो. तो ये वाटर इनसॉल्युबल है तो यहाँ पे बोला जाता है इसको हाइड्रोफोबिक. ये जो लॉन्ग चेन उसको क्या बोलेंगे हम लोग? हाइड्रोफोबिक पार्ट. उसको क्या बोलेंगे? हाइड्रोफोबिक पार्ट. Hydrophobic part and this is hydrophilic part. समझ बहुत अच्छी तरह से समझ. Hydrophobic and hydrophilic part. तो hydrophobic का मतलब होगा वो water से भाग जाएगा और हाइड्रोफिलिक का मतलब होगा वाटर से अट्रैक्ट होता होगा. क्या होता होगा? वाटर से अट्रैक्ट होता होगा, याद रखना ही बात है. तो समझ में आया, दिस इज हाइड्रोकार्बन. नॉन आयोनिक पार्ट भी इसे हम लोग बोल सकते हैं, नॉन आयोनिक पार्ट. जैसे हम लोगों ने उसको लिखा हुआ है आयोनिक पार्ट. अगर ये वाटर इनसॉल्युबल है तो ये कैसा होगा? ऑयल सॉल्युबल होगा, ऑयल सॉल्युबल पार्ट. अगर ये वाटर सॉल्युबल है तो ये क्या होगा? ऑयल इनसॉल्युबल पार्ट. ये टर्मिनोलॉजी सब कुछ हम लोग क्लीनसिंग एक्शन ऑफ ए सोप के अंदर देखेंगे. अगर ऑयल सॉल्युबल है तो इसको बोला गया ऑयल फिलिक पार्ट. ऑयल फिलिक का मतलब ऑयल से अट्रैक्ट होने वाला पार्ट एंड इट इज ऑयल फोबिक पार्ट. टर्मिनोलॉजी याद रखनी पड़ेगी, टर्मिनोलॉजी. और लास्ट वर्ड
इसको यूज करेंगे, दिस चेन इज नोन एज अ टेल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड दिस पॉइंट इज नोन एज अ हेड पार्ट ऑफ द टेक ऑफ द स्ट्रक्चर. टेल इज हाइड्रोकार्बन पार्ट, is water insoluble, is hydrophobic, is non-ionic, is oil soluble, is oilphilic, and the head part is ionic, water soluble, hydrophilic, oil insoluble, oilphobic. एक सेंटेंस दिमाग के अंदर फिट कर लो, हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से याद. और इसी के ऊपर से तो क्या करना है, हमें बनाना है अब क्लिनिसिंग एक्सेंट. थोड़ा सा मैं जरा टैग देख लूं, क्लिनिसिंग एक्सेंट. चलो थोड़ा बहुत हो जाएगा, स्पीड रखिए थोड़ी बहुत. चलो तो हेडिंग लिखो क्लिनिसिंग एक्सेंट ऑफ सोप. बहुत ध्यान से समझोगे तो एक ही बार में याद रह जाएगा, एक ही बार में. अब मान लो कि मेरे पास ये हमारा क्या है, ऑयल पार्ट है. ऑयल का मतलब हुआ कि शर्ट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर क्या हुआ, एक दाग लग गया है. अब क्या कर रहे हो, कोई भी वेसल के अंदर आप लोग ले रहे हो, उसके अंदर पानी ऐड करो, इसके अंदर डिटर्जेंट ऐड कर रहे हो. डिटर्जेंट के पास क्या है, दो बातें हैं, CH35COONa, C17H35SO3Na. This is SO3Na detergent होगा, 17H35 होगा soap part. तो हम लोग यहाँ पे पहले soap का example ले लेते हैं. Soap, how soap clean this oil part. अब oil कैसा है, oil कैसा होता है, water insoluble part. मैं यहाँ पे side में points भी नीचे नीचे लिखूंगा. नंबर वन, ऑयल इज इनसॉल्युबल इन वाटर. इनसॉल्युबल वाटर है मतलब क्या होगा, इसको अट्रैक्ट करेगा. चलो मैं यहाँ पे फॉर्मूला देख के रखता हूँ, C17H35COONa, दिस इज माइनस, दिस इज हाइड्रोकार्बन चेन. तो किसको अट्रैक्ट करेगा भाई, ये लॉन्ग चेन को. मतलब आप लोगों को टेक्स्ट बुक के अंदर ऐसे दिखाया गया है, देखो ऐसे आप लोगों को बहुत ही सुंदर तरीके से एक स्ट्रक्चर जो है वो दिखाया गया है, बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर. अब क्या होता है भाई, एग्जैक्ट देखो, मैंने ये जो लाइंस ड्रॉ की हैं, दिस लाइंस आर हाइड्रोकार्बन पार्ट ऑफ अवर सोप. तो ये क्या हो जाएगा, अभी अभी मैंने बोला कि लाइक डिसॉल्व, लाइक का मतलब क्या होगा, ये पोलर डिसॉल्व्स इन अ पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर पार्ट. ऑयल और C17H35 एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे, रिएक्शन करेंगे. और जो ऑयल का जो यहाँ पे ढाक लगा होगा वो क्या हो जाएगा, दिस हाइड्रोकार्बन पार्ट के अंदर सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा. और ये पार्ट कहाँ पे जाएगा, वाटर के साथ, वाटर में सॉल्युबल होगा ये पार्ट, वाटर में सॉल्युबल होगा. और एक बार बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आप लोगों ने नोट डाउन किया होगा या तो फिर करना, जब आप लोगों के कपड़े धुलते हैं, यहाँ पे डर्ट जमा हुआ होता है, फिर वहां से जो लेथर फ्रोथ जो प्रोड्यूस होता है उसके अंदर, वो उसके साथ डर्ट जाता है. डर्ट जाता है मतलब क्या हुआ, कि यहाँ से जो ऑयल का पार्ट निकला होगा वो इसके अंदर जाता होगा. और फिर आप लोग जो कपड़े निकाल के बाद में वाटर को भी देखोगे तो वो भी कैसा होगा, गाढ़ा हो जाता है, मैला दिखता है वो वाटर. तो
वो क्या होगा, ये क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ ए सोप है, क्लीनिसिंग एक्शन ऑफ ए सोप है वो, तो सीधा हाइड्रोकार्बन पार्ट इसके ऊपर अटैक करता है, ये भाई साहब चले जाते हैं वाटर के अंदर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सेपोनिफिकेशन। और ये जो स्ट्रक्चर बना, स्ट्रक्चर को नाम दिया गया मिसेल। और ये एक मिसेल नहीं बनते हैं, एन नंबर ऑफ इनफाइनाइट मिल सकते उनको, कितना बनेगा, स्ट्रक्चर को नाम दिया गया मिसेल फॉर्मेशन। तो एन नंबर ऑफ मिसेल वहां पे बनती हैं, एक छोटा सा पार्टिकल के लिए भी एन नंबर ऑफ मिसेल्स वहां पे प्रोड्यूस होते होंगे। और जो पानी के अंदर जो कचरा रह जाता है, लास्ट में आप लोग देखोगे तो पता चलेगा, हाँ, द इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो रह जाते हैं, वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है, मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ कि वाटर इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस जो रह जाते हैं उसको नाम दिया गया है स्कम। उसको क्या नाम दिया गया है, स्कम। ओके, तो यहाँ पे ये क्लींसिंग एक्शन में समझना इतना ही है, कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, कौन वहां पे जाएगा, बस कपड़े धोते समय अब इसको देखना, दिस इज क्लींसिंग एक्शन ऑफ ए सोप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ ए सोप। ये दो पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिसेल, ये स्ट्रक्चर बना उसको मिसेल कहते हैं, मिसेल। और जो इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस रह जाते हैं एट द एंड ऑफ ए प्रोसीजर, उसको नाम दिया गया है स्कम। ओके, तो ये हमारा वो क्लींसिंग एक्शन ऑफ ए सोप। और आगे जो स्ट्रक्चर दिखाया है उसको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखिएगा, नोट्स में भेज दूंगा कैसे आंसर लिखना है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। कहीं पे भी अभी भी डाउट हो तो पूछना, हम लोग इसके अंदर और भी हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाई सोप इज नॉट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर, रिएक्ट विथ हार्ड वाटर। तो मैं ओरली आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके ऊपर से आप लोग आंसर लिख लीजिएगा। हार्ड वाटर का मतलब टैप वाटर होता है, डायरेक्ट नगर पालिका का पानी हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स क्या करते हैं, सी डबल ओ पार्ट के साथ अट्रैक्ट करके, सॉल्ट, सॉल्ट इज ऑल्सो आयनिक पार्ट, ये भी आयनिक पार्ट होता है, तो अट्रैक्ट होते हैं दोनों। फिर एट द एंड कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो सॉल्ट्स बनते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। टू प्रोड्यूस मिसल वी वॉन्ट सॉल्युबल पार्ट, वी वॉन्ट सॉल्युबल पार्ट नॉट इनसॉल्युबल पार्ट, तो ये याद रखना है। तो इनसॉल्युबल पार्ट अगर प्रोड्यूस होगा तो फिर कैसे चलेगा, तो फिर इंप्यूरिटी जो यहाँ पे ऑयल का जो दाग लगा हुआ है वो कैसे जाएगा। इसीलिए वहाँ पे हार्ड वाटर के साथ, बहुत हार्ड वाटर जिसके अंदर इन जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट जो हैं उनकी जो कंसनट्रेशन है वो बहुत ही ज़्यादा होगी, इसलिए एट द एंड ऑफ ए रिएक्शन वो क्या करते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। अब वाटर के साथ इनसॉल्युबल रहेगा, हमें तो क्या चाहिए, दिस पार्ट बिकम्स वाटर सॉल्युबल, इसी डबल ओ एन जैसे वाटर सॉल्युबल था, अगर वो इनसॉल्युबल बना तो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसलिए ऐसा बोला जाता है कि सोप इज डॉन्ट रिएक्ट विथ हार्ड वाटर। इसलिए हम लोग कपड़ा धोने के लिए साबुन का यूज नहीं करते, सोप का यूज नहीं करते, मोस्टली 90% के अंदर यूज करते हैं डिटर्जेंट्स को। ओके, कोई भी अच्छा दाग रह गया होगा तो भी उसको यूज करते हैं हम लोग डिटर्जेंट्स को। ओके, तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को करते हैं ओवर, नेक्स्ट टाइम चैप्टर नंबर 5 डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, कुछ भी डाउट हो तो पूछ सकते हो, कुछ भी ना समझ में आया हो तो भी पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।